आज हम पढ़ेंगे मोशन के अंतर्गत एक्सीलरेशन। इसके पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। नाउ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल इज नोन एज एक्सीलरेशन, या ऐसा भी कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल a, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्मॉल a इक्वल टू dv बाय dt, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं dv का मीनिंग होता है चेंज इन वेलोसिटी, dt का मीनिंग होता है टाइम इंटरवल या चेंज इन टाइम इंटरवल। तो इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं a इक्वल टू स्मॉल v बाय t। नाउ एक्सीलरेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, एक्सीलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। अच्छा एक्सीलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, यह वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें हमें डायरेक्शन का पता होता है। नेक्स्ट एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है इसकी यूनिट मिलेगी आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? इफ चेंज इन वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन या वी ऑब्टेन negative acceleration, then this acceleration is called retardation। हमने देखा है जब हम बाइक चलाते हैं और अचानक से स्पीड ब्रेकर आता है तो जैसे ही हम अपनी स्पीड को कम करते हैं वेलोसिटी में परिवर्तन होता है तो वो जो एक्सीलेटर होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूविंग करता है ना। एक्सीलेटर तो तब भी चल रहा है लेकिन वह नेगेटिव डायरेक्शन में मूविंग कर रहा है, उसकी जो रीडिंग है वह नेगेटिव डायरेक्शन में चलती है, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। हिंदी में उसको बोला जाता है मंदक। बात समझ आ रही है? यह एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी है। नाउ वी स्टडी डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है ये हमको बताना। देखिए वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है ये हमने पहले पढ़ लिया है। वेलोसिटी इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। क्या होगा वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फार्मूला बनेगा आपका अपॉन में टाइम टेकन। क्लियर? और एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन का फार्मूला भी हमने लिखा है a इक्वल टू dv बाय dt, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन है टाइम के रिस्पेक्ट में वह वेलोसिटी है, जहां वेलोसिटी में परिवर्तन है टाइम के रिस्पेक्ट में वह एक्सीलरेशन। क्लियर हुआ? जब फार्मूले के तौर पर इसको लिखते हैं v इक्वल टू मिलेगा dy/dt और यहां फार्मूला बनेगा आपका a इक्वल टू dv/dt। क्लियर है? नेक्स्ट इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी जो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? अच्छा इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, यह भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। तो मेनली जो डिफरेंस है वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। तो डेफिनेशन दोनों की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दोनों का, और है दोनों की यूनिट। क्लियर है? थैंक यू।